अपन को ये टॉपिक कंप्लीट करना भाई। देखो परसेंटेज, परसेंट प्रत्यान मतलब क्या होता है, प्रत्येक सत्यान सौ मतलब प्रत्येक मान होता है क्या भाई, प्रत्येक मान क्या होता है भाई, सौ होता है, सौ परसेंट होता है प्रत्येक, प्रत्यान प्रत्येक सत्यान सौ मतलब प्रत्येक मान क्या होता है अपने आप में सौ परसेंट होता है। अब देख भाई बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि अपन जो सौ है, सौ का दस परसेंट कितना होता भाई, सौ का दस परसेंट कितना होता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक जीरो से एक जीरो काटा था भाई, सौ का दस परसेंट कितना होता है, दस होता है, ये एकदम सिंपल, जीरो से जीरो काटा उनके बचा दस, तो सौ का दस परसेंट दस होता है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप से बेसिक चीज अपन को बतानी है। देखो मैंने बोला एक बटे एक क्या होता है, ये पूरे अपना में सौ परसेंट होता है। मैंने बोला एक बटे दो क्या होता है, ये पचास परसेंट होता है। मैंने बोला एक बटे तीन क्या होता है, तैतीस से एक बटे तीन होता है, या फिर अपन कह सकते तैतीस पॉइंट तैतीस भी कह सकते। मैंने बोला एक बटे चार क्या होता है, एक बटे चार होता है भाई पच्चीस परसेंट। और मैंने बोला कि एक बटे पाँच क्या होता है, एक बटे पाँच बीस परसेंट होता है। देख तो सभी बच्चों को याद है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। सब में चौ दिख रहा भाई, दिख रहा है। अब आगे करते हैं, एक बटे छः, एक बटे छः को क्या बोलेंगे अपन, सोलह सही दो बटे तीन बोलेंगे। यहाँ पे बोला मैंने एक बटे आठ को क्या बोलेंगे, सॉरी एक बटे सात को क्या बोलेंगे, तो एक बटे सात को बोलेंगे चौदह सही दो बटे तीन बोलेंगे, एक बटे तीन सॉरी एक बटे सात बोलेंगे। मैंने बोला एक बटे आठ को क्या बोलेंगे भाई, बारह सही एक बटे दो बोलेंगे। एक बटे नौ को क्या बोलेंगे, ग्यारह सही एक बटे नौ बोलेंगे। एक बटे दस को क्या बोलेंगे भाई, दस परसेंट बोलेंगे। और यहाँ पे एक बटे ग्यारह को क्या बोलेंगे, नौ सही एक बटे ग्यारह बोलेंगे। ये क्या भाई दोस्तों, बेसिक चीज़ें जो परसेंटेज में अपन को सभी विद्यार्थियों को याद होना जरूरी होता है, इनसे अपन